नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की बढ़ाई परेशानी। सीएम धामी बोले, सरकार अपने स्तर पर कर रही है तैयारियां, तो विपक्ष ने बोला हमला। देहरादून दौरे पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले को सराहा, कहा मोदी सरकार ने जनता को दी राहत। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरा, मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर काशीपुर में पेशकार ने की लाखों की ठगी। कोर्ट के आदेश पर पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम करने का आरोप। जसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पड़ोसी युवक ने ही घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस बीच मरने वाले कुछ श्रद्धालु कोरोना ग्रसित पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से अब तक लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में आ रहे इन श्रद्धालुओं ने ना तो कोविड जांच इनकी हो रही है और ना ही कोरोना नियमों की पालना यहां पर होती दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार की कमियों को उजागर करते हुए धामी सरकार पर निशाना साधा है। ज़्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं, लोग सडन डेथ है ये, जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में, एक दो लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है। ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। रैंडम जांच चल रही है, जो हमारे हाई रिस्क हैं लोग हैं 50 से ऊपर, हमारी कोशिश है कि हम चढ़ाई में चढ़ने से पहले उनकी जांच करें और अगर उनमें कोई कोमॉर्बिड सिचुएशंस लगती हैं या वो हाई रिस्क में दिखते हैं तो उनसे विश्राम करके आगे बढ़ने की सलाह उन्हें दी जा रही है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखते हैं तो उनको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप कृपया यात्रा स्थगित कर दें। कुछ लोगों ने यात्रा स्थगित की है और कुछ लोगों से हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो आए हैं और जाना ही चाहते हैं तो वो अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है, उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे। और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है
उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से और डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। आज बहुत ही बुरी दुर्दशा चारधाम यात्रा की हो गई है। मैं लगातार कहते रहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार नहीं चाहती। और बहुत लेट होने के बाद जब 34 लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की, कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं वहाँ, कार्डियक का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो हार्ट की प्रॉब्लम होने पर वहाँ देखभाल कर सके, और सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। रोड्स की हालत ठीक नहीं है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज 19 दिन की इस यात्रा में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। सरकार को टाइम रहते चेत जाना चाहिए, उत्तराखंड के आने वाले समय के भविष्य को भी निर्धारित करेगा, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि उनको आना है या नहीं आना है। ये दुर्दशा उन गरीबों की भी है जो 50-50 हज़ार रुपये किसी तरीके से अपने जीवन भर की कमाई जमा करके केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, आज उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनकी यात्रा को रोक दिया गया है, उनका जो बजट है वो गड़बड़ा गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आधी यात्रा छोड़ के वापस जाएं या क्या करें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी देहरादून के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में की जा रही कटौती को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया है। क्या किया बाकी, दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड में 10% के आसपास है, अमेरिका से हम लौट के आए भी फूड इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है। तो इस दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जनता को कैसे राहत दी जा सके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उदारता के साथ यह परिचय दिया है। चूंकि अब 2014 अक्टूबर के बाद पेट्रोल या डीजल पर सरकार मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपने टैक्स को कम कर दे, तो एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करके उन्होंने इस परिस्थिति में जनता को राहत देने का यह कार्य किया। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है, यहां पर मेडिकल के छात्रों की क्लासेज शुरू हो गई है। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि कई सालों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, 100 बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और पहला बैच शुरू हो गया है। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है, और फैकल्टी की भी जितनी जरूरत पड़ेगी हमारी सरकार सबको यहां देगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड कर चुके उपाधि धारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से अल्मोड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुलाकात की और प्रदेश में की जा रही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग की। शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आंदोलन की धार को तेज किया जाएगा, साथ ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जाएगी। हम निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से हमको डीएलएड करवाया हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच ने पहले निर्णय दिया हुआ है कि इनको भर्ती में जो गतिमान 2648 की भर्ती चल रही है उसमें हमको सम्मिलित किया जाए, और 28
अप्रैल को अपना डबल बेंच ने भी यह आदेश दिया है कि इनको भर्ती में शामिल करें, काउंसलिंग इनकी की जाए, परंतु सरकार ने अभी जो भर्ती गतिमान चल रही थी उस पर रोक लगा दी है और हमारे विषय में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। और आज हम अल्मोड़ा में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इस आदेश का शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी करते हुए हमको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म विभूषित सुंदरलाल बहुगुणा की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्मृति सम्मान और पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया। साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा के आदर्शों और उनके कार्यों को आधार बनाकर उनकी स्मृति में हिमालय प्रहरी नाम से सम्मान दिया गया। यह सम्मान इस साल प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित धूम सिंह नेगी को दिया गया। बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि महात्मा गांधी की पौत्री तारा गांधी भट्टाचार्य रहीं। वहीं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि मेरे साथ हमेशा सुंदरलाल बहुगुणा का आशीर्वाद रहा। मैं समझता हूं कि यह पुण्यतिथि को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनका जीवन समाज के लिए समर्पित था, वो गांधी के सच्चे प्रतिरूप थे, अनुयायी थे, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने गांधी को न देखा न पढ़ा, लेकिन मैंने उनके अंदर गांधी कूट कूट के देखा, और मैं जितना गांधी को जानता हूँ उन्हीं के रास्ते से मैंने जाना। मैं उनके व्यक्ति एक हिस्से से व्यक्तित्व से बहुत प्रभावी रहा हूँ। वो था कि उनमें एक सरलता थी, चाहे उनके रहन सहन, भोजन, पोशाक से जुड़ी हो या उनके विचारों में, वो आर्थिकी, पारिस्थितिकी और तमाम तरह की समाज की हलचलों को एक सरलता का भाव देना चाहते थे। और ये तय भी था कि जिस तरह से दुनिया कठिन हो चुकी है, वे उसको सरल देखना चाहते थे, और यही चाहते थे कि गांव से ही शायद आर्थिकी और पारिस्थितिकी बेहतर हो सकती है। ये असल में जंगल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पेड़ों का खेत है, और जंगल की आग का प्रमुख कारण चीड़ के पेड़ हैं। बिल्कुल। पानी के लिए सूखने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ हैं। बिल्कुल। लोगों का, जो स्थानीय लोगों का प्रकृति से जुड़ाव हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण भी चीड़ का पेड़ है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको चीड़ से कुछ नहीं मिलता है, न तो चारा मिलता है, न घास मिलती है, और फल भी उसका कुछ ज्यादा काम का नहीं है। देखो, खेती से कुछ लोग निकालते हैं, तो चीड़ के पेड़ों को धीरे धीरे इनको फल और चारे के पेड़ों में रूपांतरित करना पड़ेगा। ये चीड़ यहाँ की असल में स्थानीय उपज नहीं है, इसे अंग्रेज लाए थे, क्योंकि उनका ध्यान व्यापार पर था, और चीड़ एक व्यापारिक वृक्ष है। अंग्रेजों को बड़ी तेजी से पूरे हिंदुस्तान में रेल की पटरियां बिछानी थी, तो इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर चीड़ का रोपण किया, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग ट्री है, तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। तो चीड़ का को धीरे धीरे करके, क्रमशः करके, हमें इसकी जगह फल और चारे के पेड़ लगाए। स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पता चला है कि पिछले 4 साल में प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से अधिक फाइल डंप की है। वहीं अन्य फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने ये सारी फाइल की रिपोर्ट तलब की है। कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव और संयुक्त सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है, और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। दो तरह की खामियां मिली थी। एक तो पहली जो बड़ी खामी है वो ये है कि जब प्राधिकरण का गठन हुआ और विनियमित क्षेत्र बंद हुआ, बंद से मेरा मतलब प्राधिकरण में शामिल हो गया, तो उस दौरान जितनी भी चालान थे अलग अलग मसलों के, चाहे हो सकता है अवैध बिल्डिंग के हों, या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, उनके चालानों को बदस्तूर आगे भी चलते रहना था, उनकी सुनवाई होनी थी, नियमित रूप से उनका निस्तारण होना था। ये ना हो के उन फाइल्स को बंद कर दिया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, इस बारे में मैंने शो कॉज नोटिस जारी किया है बताने के लिए।
और दूसरी अनियमितता जो उस दिन मैंने पाई थी वो ये थी कि जो प्राधिकरण की फाइल्स हैं जो कि कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स में आप ये नहीं देख सकते कि तहसीलदार की कोर्ट है या एसडीएम की कोर्ट है या डीएम की कोर्ट है, कोर्ट कोर्ट है, उसके अपने प्रोसीजर। देहरादून में शराब ओवर रेटिंग के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल एक्शन मोड में नजर आए। इस मामले पर सेमवाल ने कहा कि अगर ओवर रेटिंग की गई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और शराब की दुकान में ओवर रेटिंग देखते हुए उपभोक्ता से उसकी शिकायत करने की अपील की है। इसके साथ ही जिले के हर आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शराब की दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाई जाए। प्रदेश के लिए हमारे तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, फिर भी मेरा सभी से आग्रह है क्योंकि बिना जनसहयोग के जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो जब तक आगे नहीं आएंगे हम अकेले अपने स्तर से इसमें समर्थ नहीं हो सकते। तो मेरा सभी कंज्यूमर से भी आग्रह होगा, सभी मीडिया के साथियों से भी आग्रह होगा कि जहाँ भी ऐसे प्रकरण आ रहे हैं वो जरूर हमारे विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। सर एक जानकारी ये भी दे दीजिए, जैसे अगर डिस्प्ले की जो जैसे रेट लिस्ट है वो नहीं लगी हुई है या जो टोल फ्री नंबर होता है कंप्लेंट में नंबर जो होता है उसके लेकर भी एक्शन लिए जाएंगे ठेके वालों को? ये सभी हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी को निर्देश है कि इस महीने के समाप्त होने तक हर दुकान का वो फोटो बाकायदा की रेट लिस्ट लगी हुई है उसको कन्फर्म करते हुए अपना सर्टिफिकेट भी देंगे, ताकि फिर इस तरीके की अनियमितताएं अगर प्रकाश में आएगी तो हम अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे। किच्छा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को नशे के इंजेक्शन एवं दवाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा एवं किच्छा कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1020 नशे की गोलियां, 132 इंजेक्शन और 200 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस पर पुलिस के द्वारा दो तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक जागरूकता अभियान चला करके इसकी डिमांड को कम किया जा रहा है और साथ में इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी में हमारी टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी, तो इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर और SSI किच्छा के नेतृत्व में इनको बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक नशे के बड़े तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन कैप्सूल और टेबलेट की खेप मिली है। इसमें लगभग 122 इंजेक्शन है, 1000 से अधिक इसमें टैबलेट्स हैं और लगभग 200 कैप्सूल हैं इसमें। तो इसमें जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के अंतर्गत इनकी जो है पूरा ट्रेस किया गया चेन की, कहां से लाते हैं और कहां पे इसको सेल करते हैं। तो बेसिकली लालपुर और किच्छा क्षेत्र में इन नशीली दवाओं को बेचना पाया गया और इनका पीछे से भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ में इसमें ड्रग्स विभाग जो है, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है, उनकी भी मदद ली जा रही है इसको पूरी चेन को ट्रेस करने में। और इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से लालपुर और किच्छा क्षेत्र में नशे की समस्या पर रोक लगेगी और लोगों के द्वारा भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार ने लाखों की ठगी की है। जहां कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। काशीपुर जिले में पहले ही जमीनी रंजिशों के मामलों में जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब चकबंदी के कर्मचारी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम पर करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे समय से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के माध्यम से पेशकार रुपेंद्र के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। माध्यम से 156(3) CRPC के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की ज़मीन को नाम कराने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए, तो माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसकी जाँच की जा रही है। दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक पड़ोसी युवक ने ही घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उसके पड़ोसी ने लड़का किया है उसके घर में जाकर, तो हमने उसकी धाराओं में दोनों पंजीकृत किया और उसे आज गिरफ्तार करके मान्य न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आ गई? पीड़ित का मेडिकल करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं। लक्ष्मण झूला थाना इलाके के गरुड़ चट्टी के पास बुलेट सवार दो पर्यटक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों ने नजारा देखा तो जानकारी गरुड़ चट्टी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी। पुलिस ने समय पर पहुंचकर पर्यटकों को खाई से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।